तो कहा भाई इनके इसका इसके जो जितने गुण हैं और जितने कर्म है उतने ही सबके अलग अलग नाम इसके बन सकते हैं और बने हैं। तो बोले महाराज फिर आप तो जानते, बोले हाँ मैं सबको जानता हूँ, गुण कर्म अनुरूपाणि तान अहंगेद लो जाना, उन नामों को मैं जानता हूँ, सब लोग नहीं जानते। मैं जानता हूँ पर इस समय तो भाई समय थोड़ा है ना और गुपचुप काम करना है तो सब नाम नहीं बताने, हजारों लाखों नाम है मैं जानता हूँ। लेकिन भैया ये शवश्रेयाधाशत गोप गोकुल नंदन हम अनेन सर्व दुर्गा यू ये मंजर मंदस्तरिष्य था। ये जो है बालक ये तुम लोगों के वंश का, तुम लोगों के कुल का तुम्हारा अपना परम कल्याण करने वाला होगा और ये गायों को और गोपों को सबको गोप गोकुल नंदन हम गोकुल गोपकुल ये सबको आनंदित करने वाला होगा, सबको सुख पहुंचाने वाला होगा। और अनेन सर्व दुर्गाणि जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी कठिनाइयों के विपत्तियों के किन भगवान का रहस्य बताते हैं। इस पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या टीकाकारों ने की है। कहते हैं पुराने ना ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराजकीय रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्युन समेधिता। ये पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई भी शासक नहीं रह गया, शासक रहित नियंत्रण रहित प्रजा हो गई और उस समय चारों तरफ चोर डाकू फैल गए, जिसके मन में जो आवे सो करे। या तो मनुष्य रहता है, सबसे ऊंची चीज तो है धर्म का नियंत्रण, धर्म और परलोक के भय से आदमी अन्याय नहीं करता, बुराई नहीं करता। और दूसरे नंबर में होता है शासन का भय, शासन का भय, कहीं शासक बिगड़ जाए तो भय नहीं रहता, लेकिन धर्म का भय धर्मात्मा पुरुष के मन में रहता है, बचा रहता है वो। तो वो समय ऐसा पृथ्वी में धर्म रहा नहीं और राजा कोई रहा नहीं, इसलिए चारों तरफ चोर डाकू फैल गए और सब ने सबको पीड़ित कर दिया। पुराने ने ब्रजपति साधवो दस्यु पीड़िता, दस्युओं के द्वारा डाकुओं के द्वारा सारी प्रजा पीड़ित हो गई। तो उस समय हमको याद है कि जो तुम्हारा बालक बना है ना आज, इसी तुम्हारे पुत्र ने वहां साधुओं की रक्षा की थी और इसी से बल पाकर के लोगों ने उन लुटेरों पर विजय प्राप्त की थी। तो बोले भाई ऐसी बात ये एतस्मिन् महाभागः प्रीति प्रीतिम कुर्वन्ति मानवः नारयो भी भगवन्त्येतान् विष्णु पक्षा निवासुरः। बड़े सिद्धांत की बात कहते हैं गर्गाचार्य, संकेत करते हैं कि जो मनुष्य, कोई भी मनुष्य, किसी जात का, किसी देश का, किसी वेश का, कैसा भी कोई मनुष्य, जो तुम्हारे सांवरे सलोने बड़े सौंदर्य माधुर्य के सागर इस शिशु से प्रेम करते हैं, प्रेम करेंगे, वे वास्तव में महाभागा है। रामचरितमानस में व्याख्या की है भाग्यवान कौन और अभागा कौन, ये व्याख्या की। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, जिनका जीवन भगवान के साथ संपर्कित है, वो भाग्यवान है। अहो अह लखन सम को बड़ भागी राम पदारविंद अनुरागी, राम पदारविंद अनुरागी वो बड़ भागी। और सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तजी हुए विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं केवल, वो अभागे हैं। तो ये तस्मिन महाभागा प्रीत कुर्वन्ति मानवाः, जो मनुष्य इस तुम्हारे शिशु से प्रेम करेंगे वो महाभाग्यवान है, महाभागा। और इसलिए उनकी छत वो भगवान की छत्र छाया में रहेंगे, असुर उन्हें जीत नहीं सकते। जैसे भगवान की छत्र छाया में रहने वालों को असुर नहीं जीतते, इसी प्रकार इससे प्रेम करने वालों को असुर नहीं जीत सकते। असुर दो प्रकार के होते हैं,
एक असुर जो बाहर रहते हैं और एक असुर वो हैं कि जिनको हमने अपने घर में बसाए रखा है, अंतर के घर में। वो शत्रु जो असुर हैं वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं, बड़े बुरे होते हैं। बाहर के शत्रुओं का उतना असर नहीं होता, वो केवल शरीर को ही मारते हैं और केवल बाहर के धन को छीनते हैं। पर जो हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है, पारमार्थिक संपत्ति, उसको छीनने वाले होते हैं अंतर शत्रु, भीतर में रहने वाले ये बैरी। इन बैरियों में प्रधान बैरी है विषय कामना। इस विषय कामना से ही सारे फिर क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, ये सारे बैरी उत्पन्न होते हैं। तो ये बैरी जब तक रहते अंतर में, तब तक मनुष्य का भला नहीं हो सकता। चाहे वो बाहर से अपने को भला मान ले, तो लेकिन जो इससे प्रेम करेंगे, इसका प्रेम इस प्रकार का विलक्षण है कि वो अंत शत्रुओं को मार डालेगा। भगवत प्रेम विषय प्रेम को खा लेगा, फिर तमाम विषय भगवान की सेवा की सामग्री बनेंगे। उसका शरीर, उसके विषय, उसके इंद्रियां, उसका मन, उसके पदार्थ, ये सब के सब भगवत सेवा की सामग्री बनेंगे। असुरों का आश्रय छोड़ देंगे। तो मनुष्य ने ले रखा है असुरों का आश्रय। भगवान ने से पूछा अर्जुन ने कि पाप क्यों करता है आदमी? जानता है पाप है, जानता है बुरी चीज है, अनिच्छन विवार्ष नहीं है, बलादि में नियोजिता है, इच्छा नहीं है कि मैं ये काम करूं, जानता है बुरा काम है, तो मानो को जबरदस्ती करा देता है, तो कराने वाला कौन है? तो भगवान बोले, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनम वैरणम। तुम्हारे अंदर बैरी बैठे हैं, बाहर के बैरी नहीं, ये अंदर के बैरी तुमको पाप में प्रवृत्त करते हैं, पाप करवाते हैं, और इनका कभी पेट भरता ही नहीं। जितना इनको कामना को खाने को दो, उतना ही कामना की भूख बढ़ेगी, और चाहिए और चाहिए, कभी कम है, अभी कम, अभी और। इस प्रकार वो महाशन महापापमा, महाशन, महाशन का अर्थ है कि जो खाते ही खाते रहे, कभी खाते खाते खाए ही नहीं, जो कहे नहीं पेट भर गया, तृष्णा बढ़ती रहे निरंतर, तो उससे क्या होता है कि वो काम शत्रु अंदर के शत्रुओं को पैदा करके उसके जीवन को बर्बाद करता रहता। इसलिए ये तस्मिन महाभागा प्रीति कुर्वन्ति, जो तुम्हारे शिशु में प्रीत करते हैं वे महाभाग हैं, उन लोगों का रक्षण होता है, भगवान रक्षा करते हैं। शत्रु बाहर के भीतर के उन्हें जीत नहीं सकते। तो तस्मानंदात्मजो अयम ते नारायण समोजन श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। ये जो तुम्हारा पुत्र है, सीधी बात तो नहीं कही, का ये गुणों में, सौंदर्य में, कीर्ति में, संपत्ति में, इन सब में ये नारायण के समान ही है। ये दूसरा नारायण है, अर्थात ये नारायण ही स्वरूप में आया, यो न कह करके नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाला, संपत्ति में, गुण में, सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, माधुर्य में, कीर्ति में, यश में, पुण्य में, वैराग्य में, ज्ञान में, ये सब में नारायण के समान गुण वाला साक्षात बालक है। तो भैया अब एक काम करो, गोपायस्व समाहितः, सावधानी के साथ इसकी रक्षा करो। गर्गाचार्य संकेत करते हैं कि जीवन में सावधान होकर भगवान को कभी जीवन से न निकलने दो। भगवान को जीवन से निकाल देने वाले ठग आवेंगे, चोर आवेंगे, लोभ आवेगा, काम आवेगा, क्रोध आवेगा। ठग, चोर, डाकू तीन होते हैं। एक जो भोले में डालकर, भुलावे में डालकर, मीठी मीठी बातें बनाकर, लोभ में डालकर जो ले जाता है संपत्ति, उसे कहते हैं ठग। और एक चुपके से घर में घुसकर बिना जनाए चुरा के ले जाता है, वो भी संपत्ति हरता है, उसको कहते हैं चोर। और एक जबरदस्ती जो घर में घुसकर मार कर, मार के भय से लूट ले जाता है, उसे कहते हैं डाकू। तो ये तीन प्रकार के जो हैं, ये तीनों ही धन का अपहरण करते हैं। इसी प्रकार ये तीन हमारे शत्रु अंदर रहते हैं, प्रधान
काम क्रोध और लोभ, एक को कहा मोहिनी संपत्ति, एक को आसुरी संपत्ति, एक को राक्षसी संपत्ति। काम मोहिनी है, लोभ आसुरी है और क्रोध राक्षसी है। तो ये हमारे अंतर को, अंतर के धन को हमेशा लूटा करते हैं, संपत्ति को छीना करते हैं। तो गोपायस्व समाहित गर्गाचार्य मानो इस रूप में उपदेश देते हुए संकेत करते हैं सारे मानवों को कि भाई भगवान को अपने जीवन में सावधानी से साथ रखना, जिससे लूट न जाओ, जिससे ये चोर डाकू और ठग आ करके तुमको लूट न लें। इस प्रकार उन्होंने अर्थ गर्भ रहस्यमय उपदेश किया और नामकरण किया। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गेत स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषां। नंद बाबा तो निहाल हो गए, नारायण के समान गुण वाला बता दिया बच्चे को। माँ बाप को किसी को प्रसन्न करना हो तो बच्चे का गुण गा दे बस। किसी भी माँ बाप को प्रसन्न करना हो तो उनके सामने उनके बच्चे को लाड कर और उनके बच्चों की तारीफ कर, उनके बच्चों का भविष्य बड़ा मंगलमय बता दे। और वो अगर सच्चा हो तब तो कहना ही क्या है। तो यहाँ गर्गाचार्य तो अपनी वाणी को सत्य करने के लिए इतनी बात कह के जानते थे कि साक्षात भगवता बता रहे, इसके लिए जो कहेंगे सारा सच्चा, जितना मंगलमय बताएंगे उससे अधिक मंगल भरा है। तो प्रसन्न हो गए नंद बाबा गर्गाचार्य की बात सुनकर, बड़ी पूजा वूजा की, बोले महाराज ले जाओ। गर्गाचार्य कुछ लिया नहीं, तो दो बात से नहीं लिया, एक तो वसुदेव जी के आचार्य हैं, आचार्यों को लेना देना क्या है, यजमान की संपत्ति में उनका भाग है, कोई बात नहीं, यजमान अपने आप उनको पालते ही हैं। दूसरे ये बात इसी के अंतर्गत कि ले जाए और कहीं पता लग जाए कि इतना भारी बोझा लेकर के ये ढो करके ले आया, तो कहीं कोई संस्कार करा के आया होगा ब्राह्मण, तो संस्कार कराया किसी बालक का, तो यहाँ बालक होगा, बालक होगा तो कौन सके दूत आ जाएंगे। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण ये कृतार्थ हो गए। इन्होंने कहा कि आज जो मिला ये किसी और वस्तु से मिलता ही नहीं, कितना ही धन मिले, यश मिले, पूजा मिले, सत्कार मिले, मान मिले, पर जो भगवान का संपर्क मिला इसका कोई मूल्य है क्या। तो आज जो अमूल्य वस्तु मिली इसको उन्होंने पाया, तो वो गर्गाचार्य जो बस उन्होंने कहा बस अब जाएंगे। बोले महाराज कुछ ले जाओ। बोले नहीं नहीं बहुत मिल गया, बस हमने जो कुछ कह दिया इसका ध्यान रखना, गोपायस्व समाहित बड़ी सावधानी के साथ रक्षा करना इस बालक की, और कोई बात नहीं, यही हमारा आशीर्वाद। इस प्रकार से आदेश दे करके स्वगृहम गथे गर्गाचार्य जो हैं ये अपने घर को लौट गए। अब नंद बाबा को बड़ा आनंद, नंद बाबा तो आनंद में नाचने लगे, बोले अच्छा ये नहीं लिया तो क्या है, अब बांटो खूब पुत्र के मंगल की कामना से। और ये अब बांटने लगे, ये बांटने लगे खूब चारों तरफ से, और ब्राह्मणों को, गरीबों को, अतिथियों को, सबको इन्होंने दिया। और सोचा कि आज तो हमारी सारी आशा पूर्ण हो गई। आत्मानं पूर्णमाशिषां, अरे गर्गाचार्य कह गए ना नारायण के समान पुत्र है, नारायण के समान गुण वाला है, और ये वंश का उद्धारक होगा, कुल तारक होगा, कुल का यशस्वी होगा, कुल की कीर्ति फैलाने वाला होगा, सारे विघ्नों का नाश करने वाला होगा, सारे मंगलों का देने वाला होगा, तो मेरी सारी लालसाएं सब पूरी पूरी हो गई, मैं कृतकृत्य हो गया। ये नामकरण संस्कार हुआ। अब इसके बाद की जो कथा है वो है तो बड़ी बड़ी रसीली, पर वो विस्तार पूर्वक फिर कल बात, आज केवल संक्षेप में श्लोकों को पढ़ देते हैं। इसमें भगवान की बाल लीला का, बाल चरित्र का, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है, किस प्रकार वो खेलते थे और खेल खेल में क्या क्या करते थे, मैया के साथ भी कैसे बालकोचित खेल खेलते, और गोपों के साथ भी, गोपांगनाओं के साथ भी, घर में भी, पशु पक्षियों के साथ भी किस किस प्रकार का खेल खेलते, कैसे माखन दही लाते, कैसे खाते, और फिर मैया से किस बुद्धिमानी से बात बनाते,
मैया प्रसन्न हो जाती, बोले बोलना गया, बोलना कि देखो कितना चतुर हो गया ये बच्चा। तो ये सब लीलाओं का वर्णन है, इसको संक्षेप में पढ़ देते हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंग मानो विजर्रतु पावंग्रि युग्म मनु कृष्ण सरी स्पृतंत घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु तन्नादृष्ट मनसा मनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्रो तन्मातरौ निज सुतौ घृणयाश्नुवन्त्यौ पंकांगरागरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम दत्त्वा स्तनम प्रतिबतो स्म मुखम निरीक्ष मुग्धस्मिताल्पदशनम ययदुप्रयो प्रमोदम यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर ब्रजे तदबला प्रग्रहीत पुच्छैः वत्सैर्तस्तत उभावं कृष्यमानौ प्रेक्षन्त उज्जत गृहा दर्शुर्हसी संत्यः श्रृंग्यग्निद्रंस्त्यो असि जल द्विजकंटकेभ्यः क्रीड़ा परावति चलो सुसुतौ निषेधुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेका चाप्तुर्लं मनसो नवस्थां कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अदृष्टजानुभि पद्मे विचक्रं मतुरंजसा ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्य ब्रजबालकैः सह रामो भजस्त्रीणां च क्रीडैः जनयन्मुदम् कृष्णस्य गोप्योरुचरं वीक्ष्य कौमार चापलं शृण्वत्या कृत्सन्मातुरिति होचु समागतः वत्सान् मुञ्चन् क्वचित् असमये क्रोश संजातः स स्तेयं स्वाद्यकल्पितैः स्तेयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति चेन्मात्यभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोशतो काम हस्ताग्राह्य रचेति विधिं पीठको रूखलाद्यैः छिद्रं हन्त ह्यन्त निहितवयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वत् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो चित्ता एवं धाश्चान्युषति कुरुते मोहो मेहनादीनि वास्तव सेयोपाय विद्विकृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं श्रीभिः सभयनेन श्रीमुखालोकनीर्व्याख्यातार्था प्रसिद्धमुखी नयुपा लब्धुमैच्छत्। इनका संक्षेप में ये अर्थ है शब्दार्थ कि ये बड़े हुए, अब बड़े हुए तो अब दोनों घुटनों के बल और हाथों के बल ये चलने लगे, हाथ टेक करके नीचे जमीन पर ये बकैया बकैया चलने लगे। दोनों भाई नन्हे नन्हे पांवों से गोकुल के कीचड़ में घिसटते हुए जाते। उस समय इनके पांवों में वो घुंघरू थे, वो रुंझुन रुंझुन बजा करते। ये दोनों स्वयं ही अपनी ध्वनि सुनकर फिर उठ, बोले कहां से बाजा बजता है, ये पता नहीं कि अपनी पैर में बजता है। और कभी कभी वे रास्ते चलते अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो जाते, कभी झक से रह जाते, कभी डर जाते, कभी रमणी माता यशोदा के पास लौट जाते। माताएं देख देख करके स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब दोनों ये नन्हे नन्हे बालक अपने शरीर में तमाम कीचड़ दे के लपेट लेते कीचड़, और जब इनकी सुंदरता और बढ़ जाती उस कीचड़ से, और तो दौड़े आते, ये नहीं देखते कि मैया की साड़ी खराब हो जाएगी, निपट जाते। आकर मैया प्रसन्न हो जाती साड़ी खराब होने का तो कुछ नहीं, तो ये लिपट गया कीचड़ में, देखो आया सड़ा हुआ, तो बड़ी प्रीति होती है मैयाओं को, मुस्कुरा मुस्कुरा करके हृदय से लगा लेती, गोद में लेकर दूध पान कराने लगती। इनकी मंद मुस्कान, छोटी छोटी इनकी दंतुलियां, भोला भाला सा इनका मुंह सुंदर, ये देख करके मैया दोनों आनंद के समुद्र में मानो डूबने उतरने लगती। अब कुछ और बड़े हुए तो घर के बाहर भी अब खेलने बेलने को जाने लगे, बालीलाएं करने लगे। अब तमाम गोपियों को सुख मिलने लगा। अब तक तो बिचारी आती अंदर
डर के मारे और मैया को डर रहता कि नजर न लगा दे, कभी जाओ तुम, जाओ तुम लोग जाओ, बहुत देर तुम लोगों को आए हो गई, और कहीं ये बच्चा खेलता है तो ठीक नहीं, डर जाएगा। मन में रहता है डर क्या जाएगा, ये तो डरना क्या जानता है, नजर लग जाएगी कहीं बच्चे के, तो कह दिया हट जाओ तुम लोगों को बहुत देर हो गई। अब ये जब बाहर जाने लगे तब गोपियों ने देखा कि अब तो खुला मैदान है, तो वो आ करके देखने लगी। अब ये बाल लीला करने लगे, कभी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़ा डर के भागता तो पूंछ को और जोर से पकड़ लेते, अब बछड़ा दौड़ता है और ये उस पूंछ पकड़े हुए खींचते हुए पीछे पीछे जाते। गोपियां अपने घर का सारा काम छोड़ छाड़ करके रात दिन इस तमाशे देखने में लगे रहती। सवेरे वो घर से निकलती, घर वाले कहते रसोई रसोई नहीं बनी, बोले पीछे बनाएंगे रसोई, रात को खा लेना, दिन में उपवास सही, रात क्योंकि ये तो रात को तो होगी नहीं, दिन को ही होती, शाम को घर जब मैया ले जाएगी। दोनों बड़े चंचल बड़े खिलाड़ी, कहीं हरिन के पीछे हो जाते, हरिन जाता फुदकता हुआ तो उसकी पूंछ पकड़ लेते पीछे से दौड़ करके, और हरिन की तरह से पीछे पीछे दौड़ते, और कहीं गाय दिखती भैंस दिखती तो सीधे जाके सींग पकड़ लेती। अरे मैया के जो राम राम राम, ये सींग के कहीं लग जाएगी, अब ये कौन सुनता है उनकी, ऊपर चढ़ने लगते। वो बिचारी गैया सब मातृ स्थानिया रही ना, सब देवियां ही रही, तो इनको चाटने लगती, और कभी हवन की आग देखी तो बोले चलो ये लाल लाल क्या है, इसी में हाथ डालेंगे, तो धधकती हुई आग में हाथ डालने के लिए जा तो कूदने लगते, तो मैया दौड़ती, बेरे क्या क्या किया क्या किया, दौड़ के पकड़ लेती। और कभी जो बड़े बड़े कुत्ते रहे ब्रज में, कुत्तों के पास पहुंच जाते और पूछ पकड़ लेते, और कुत्तों के ऊपर बैठ जाते, फिर रोटियां लाते कुत्तों को खाने को देते। और कभी घरों में अब राजघर था तो तलवार टंगी उतार लेते और म्यान से निकाल लेते, अरे मैया के जरे लग जाएगी हाथ से, पर छोड़ के भाग जाते। कभी कभी कुएं के पास चले जाते और कलसी पड़ी होती तो रस्सी तो लगी हुई तो कलसी को कुएं में छोड़ देते। अब खींचने का उपाय तो खींचती नहीं, जोर तो था नहीं, छोटे से बच्चे, अरे मैया मैया मैया, अब तो मरे मरे पड़े, तो मैया दौड़ते दौड़ के हाथ पकड़ के निकाल लेती। कभी किसी बगीचे में जा पहुंचते, बगीचे में लगी हुई कांटों की बाड़, तो गुस्से करते तो कांटों की बाड़ के बीच में छेद दिखता तो उसी में पहले अपना सिर डाल देते और पैर डाल देते, अब निकल पाते नहीं, अरे मैया मैया फंस गए हम तो कांटे कर रहे, तो मैया दौड़ती दौड़ के किसी प्रकार से निकालती उनको, तो घर का काम धंधा सारा मैयाओं का दोनों का समाप्त हो गया। यही काम धंधा रहा सुबह से लेकर शाम तक इनके पीछे पीछे, और ये बड़े उद्यमी। एक दिन सांप दिखा तो जाके सांप ही को पकड़ लिया सांप को, फन पकड़ के थपथपाने लगे। मैया ने देखा काट जाएगा सांप तो निहाल हो गया, क्या काटता, उसका भी इनका स्पर्श होते ही सारा विश्व मृत बन गया। इस प्रकार मैया जो है दोनों ये रात दिन इनकी सेवा में लगी रहती, रात दिन इनके पीछे पीछे रहती किसी प्रकार से किसी तरह से, और ये कहीं इनको कुछ हो न जाए। तीन तरह का भय, तीन उत्पात हो गए, दैवी उत्पात, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों तरह से मैया डरती। कहीं किसी सांप ने काट खाया, कुत्ते ने काट खाया, गाय के सिंह का सिंह पकड़ा गाय ने मार दिया, ये पूंछ पकड़ के दौड़े, और कहीं बछड़ा दौड़ से दौड़ा जो से दौड़ा और गिर पड़े तो इनके चोट लग जाएगी, कहीं कांटों में घुस जाएंगे, आग में हाथ दे देंगे, हर तरह से ये मैया। और कहीं न मालूम क्या खा लेते हैं, कभी जा करके मन में ऐसे उठाया खा लिया, फिर बीमार हो गए, तो एक तरफ बीमारी का डर, एक तरफ देवताओं का डर, आग आग पानी का डर, और एक तरफ राक्षसों का डर, और ये पक्षियों का और पशुओं का डर। तो मैया रात दिन डरी रहती, पर डरने के साथ साथ इनका जो बाल चापल्य देखती, बच्चों को कूदते देखती तो प्रसन्न हो जाती। मैया बोली देखो इसको कूदना आ गया, तो अब ये नाचना आ गया, बड़े मजे में अब तो नाच लेता है, वो दोनों बात करती है आपस में। देखो देखो कल तक तो हम इसको दोनों के हाथ पकड़ के चलाना सिखाती थी,
और फिर ये घुटने घुटने चलने लगे और अब तो ये खड़े होने लगे। देखो अब ये खड़े होकर के बिना ही सहारे चलने फिरने लगे और अब तो देखो बाहर जाने लगे। तो मैयाओं को बड़ी प्रसन्नता कि देखो हमारे बच्चे जो हैं ये योग्य बन रहे हैं, अब खेलने लगे ना अपने आप खेलने लगे। तो एक दिन की बात क्या है, ये घड़ी में खेल रहे थे तो सूना रहा घर, मैया कहीं बाहर गई थी तो इन्होंने देखा क्या करें, कन्हैयालाल घूम रहे थे तो मक्खन देखा, मक्खन का लौंदा था हाड़ी में, मैया बाहर चली गई। अब बच्ची ठहर इनके मन में चोरी वोरी के भाव नहीं कुछ भी इसकी चीज, अब मक्खन खाने के मन में आ गई तो मक्खन को उठा लिया। अब वो क्या था, बड़ी अजब बात थी कि एक वहां मणियों का खंभा था दर्पण की तरह से, तो उसमें सब कुछ दिखता। तो ये जब ले करके हाथ में लौंदा उसका मक्खन का और वो खंभे के पास बैठ के मुंह में लगाने लगे तो उनकी दृष्टि चली गई खंभे की तरफ, तो इनको दिखाई दिया खंभे में दूसरा बच्चा खा रहा है, दूसरा बच्चा है। तो अब वो डर गए बाल बाल लीला डर गए और उससे बोले, अंदर वाले से बोले, कह रहे भैया देख, मैया से मत कहियो कि इसने माखन चुराया है, समझे, आधा आधा भाग रहा अपना आधा तुमको देंगे आधा हम देंगे, और यो कह के आधा भाग लगे देने। यशोदा मैया दूर खड़ी सुन रही थी, प्रसन्न हो गई, शून्य चोर यत स्वयं निज गृह हैवंगवीनं मनस्तंभे सुप्रतिबिंबं निक्षित तैनैव सार्धं भिया भ्रातर्मापदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुक्स्वे त्याळपतो हरे कलवचो मात्रा रहस्यूयते। माँ सुन रही दूर से, माँ प्रसन्न हो गई कि देखो हाँ बच्चा जो है कितना होशियार हो गया है, और भोला अभी वो छाया को समझ रहा है दूसरा आश्चर्य, तो बच्चा कर रहा था, माँ सामने आ गई। तो माँ को देखते ही अब देखा माँ आ गई तो बच्चे से जो गुपचुप बात कर रहे थे बात करने की, अब वो बात बदल ली, अब भाग की बात करें तो दूसरी चीज थी, मैया सामने आ गई। तो बोली मैया देख माँ कैश न बनी थी मिदम त्वदीयम् लोभेन चोरयि तुम मध्य गई हम प्रविष्ट मदवारणम न मनुते मई रोष भाजी रोषम तनोति नहीं रमली तलोभा। बोली रही मैया देख सुरी कौन आ गया, देख ये कौन है, बड़ा लोभी मालूम होता है, इसने घर में घुसकर और माखन ले लिया, तुम्हारा माखन इसने चुरा लिया, माखन चुराने के लिए घर में घुस आया, और मैं रोकता हूँ, मैं इसको रोक रहा था अभी, और क्या कर रहा था, मैं रोक रहा था तो ये मानता नहीं, और देख मैया मैं जब गुस्सा करता हूँ तो ये भी गुस्सा करता है, देख ले मैं जोर से बोलता हूँ वो देखो जोर से बोल रहा है, ऐसा कैसे मैं बना रहा है, और मेरी नकल करता है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता, मैं गुस्सा करता आंख लाल करता, मैं वो आंख लाल करता। तो मैया देख तुम ये मत सोचना कि इसे माखन का लोभ है, कन्हैया को मुझे लोभ वोभ नहीं, मेरे लोभ वोभ की बात नहीं, ये तो सर इसकी बदमाशी कहां से घुसी आया मैया। अब मैया जो है आनंद में मग्न हो गई बात्सल्य स्नेह को देख कर, बात्सल्य स्नेह के मारे मैया ने कहा भाई देखो कितनी होशियारी की बात करने लगा, कितना सयाना हो गया कि है तो भोला ही, भोला ना हो तो ऐसी बात कैसे करता, पर बड़ा सयाना हो गया, सयानी सयानी बात करने लगा। इस प्रकार से आनंद होने लगा। तो ये कहते हैं कि ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर परम मधुर। अब बलराम उनके साथ ही ग्वाल बालों को साथ लेकर के अब निकल पड़ते हैं और गोपियों घरों में पहुंच जाते हैं, घरों में जा के गोपियों को निहाल करने लगे, खेलने लगे, चंचलताएं बड़ी अनोखी, गोपियों को इनकी चंचलता बड़ी मीठी लगती, छोटे छोटे बच्चे और बच्चों का खेल बड़ा अच्छा लगता। तो एक दिन सब
इकट्ठी होकर के नंद बाबा के घर आई। वहां ये क्या क्या करते है इसे सुनाने के लिए मैया को, यशोदा मैया को सुना सुना करके बोलने लगी कि अरे मैया देख तेरे बच्चे की करतूत तो देख, तेरा बच्चा बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा बड़ा शरारती हो गया। एक बोले क्या शरारत की इसने, क्या किया? बोले मैया तू तो जानती नहीं, तू तो भोली भाली समझती है कि ये बच्चे हमारे बड़े सीधे, ये जब घरों में जाता जाते हमारे गाय धोने का समय है ही नहीं, और जाके बछड़े को खोल दिया। अब बछड़े सारी सारा दूध पी गए, और हम जो रोकते हैं हंसते हैं ताली बजाते हैं ले ले ले, जो अंगूठा दिखाते हैं हमको, और हम बड़े मजे ये क्या करती हैं। और जब मौका लगता है तो चोरी के बड़े बड़े उपाय जान गया है, हमारे मीठा 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 दही और दूध और मक्खन जो है ये खा जाता है, और स्वयं खाता तो एक बात थी, खाता है फिर बंदरों को इकट्ठा करता है। बोले आ सब, बंदरों को इकट्ठा करके और सबको बांट देता है, और इतने पर भी नहीं मानता। फिर जब जरा हम डांटते हैं तो कहता अच्छा देख बदला ले, तो मटकी फोड़ डालता है, मटकी फोड़ डालता है। और घर में कोई वस्तु नहीं मिलती तो क्या करता है कि बच्चों के थप्पड़ लगा के भाग जाता है, कि चोटी खींच के भाग जाता है, उनको रुला देता है। और हम इतना चतुर हो गया कि दूध दही के हम छींको रख दें इसके हाथ नहीं पहुंचते, तो क्या करता है एक पीढ़ा फिर पीढ़े पर एक पीढ़ा, फिर पीढ़े पर एक पीढ़ा इस प्रकार रख करके और खड़ा हो जाता है। और इस पर भी नहीं होता तो ये दो चार बच्चे मिलकर जो उखल होते हैं उखल उसको उल्टा देते हैं, और उखल पर कहते हैं एक बच्चे को कि तू इस पर सवार हो, चढ़ जाता है तो फिर उसके ऊपर हाथ चढ़ जाता है, उखल पर बच्चा और बच्चे पर हाथ, और हाथ में लिए एक छोटी सी सीख तो ऊपर मटकी में जाके छेद करता है छेद करता है, और जब उसमें से जब मक्खन गिरता है तो यूं मुंह बा देता है। और बोले ये बड़ा चतुर, इसको पहचान होगी किस मटके में मक्खन है, कोई मामूली छायवा वाले मटके को नहीं छेड़ता ही, उसको देखता ही नहीं, और ऐसा छेद करना जानता है कि पता तक न चले दूध आ गिरे। और तो बोले भाई ढक के रख दिया करो अंधेरे में, बोले अंधेरे में तो रखने पर तेने जो गहने पर पैरा रखे हैं मैया, अंधेरे घर में जाता है तो एक गहनों का प्रकाश, और फिर मैया एक जादू न मालूम क्या है घर में घुसा कि इसके शरीर से तेज निकलता है, तो तमाम अंधेरी कोठरी में उजियाला हो जाता है शरीर की ज्योति से। तो पता नहीं क्या चतुर है, कहाँ रखा है, सब कुछ जान लेता है, और ढिठाई करता है उल्टा फिर हम ही कुछ और बनाता है, और घर का मालिक बन जाता है, जाके बोले भाई मालिक तुम्हारे यहाँ से सब पढ़ा देता है अलग। और इतना ही नहीं, जब ज्यादा हम लोग डांटते हैं, एक दिन तो ऐसी बदमाशी की कि रसोई में जाके इसने कट्टी फेर दी समझे मैं मूत्र कर दिया इसने, हमारे लीपे पुत्र सच घरों को खराब कर देता है, और ये बड़े उपाय जानता है। और यहाँ तो देखो ना साधु बना बैठा है, कितना भोला भाला लगता है, मानो निरीह बालक को कुछ करता ही ना, वो सीधा साधा, और जब वहां जाता है तब इसका उधम देखो तो पता लगे मैया तुम एक ही दिन में हैरान हो जाओ। इस प्रकार से मैया को उलाहना दिया, और गोपियां गई, मैया तो हंस पड़ी, मैया ने देखा कि देखो ये इस बहाने और ये बच्चे का गुण गा गा करके और मुझको प्रसन्न करने आई है, इनको धन्य है। अब इन सब की व्याख्या अब कल होगी। हरिओम। महर्षि गर्गाचारी नामकरण संस्कार करके श्री कृष्ण बलदेव का प्रसन्न होकर लौट गए, और नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, गर्गाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उन्होंने समझा कि बस मेरी सारी अभिलाषाएं आशाएं पूर्ण हो गईं। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषम्। लड़कियां तो आगे जनेंगे, तो बड़ा आनंद हुआ। अब ये इसके बाद की जो कथा है, ये श्लोक कल कह दिए गए थे और उनका शब्दार्थ भी।
कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो विजर्हतुः तावंग्र युग्म मनुकृष्य सरी सृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्नादधिष्ट मनसा मनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत मधुपेय तरुण तुरंति मातृः तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिराग उपगुह्य दोर्भ्यां दत्वास्तनं पपिवतोस्म मुखं निरीक्ष मुग्धस्मितालपदशनं येतु प्रमोदं यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंत व्रजेत बला प्रगृहित पुच्छैः भावनुकृष्यमानौ प्रेक्षन्त उज्जत गृहाः सन्त्यः श्रृङ्गग्निदष्टसिज्जलद्विजकण्टकेभ्य क्रीडा परावतचलौ ससुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र तज्जनन्यौ शेकाथयापतुरलं मनसोऽनवस्थाम्। ये भगवान की मनोहर बाल लीलाओं का वर्णन है। तो कहते हैं कि कुछ दिनों में राम कृष्ण कुछ बड़े हो गए, अब वो घुटनों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। तो राम केशव कहा तो कहते हैं कि ये नंदनंदन अपनी लीला माधुरी से ब्रह्मा और शिव का भी मन हरण करने वाले और अपने स्वरूप ऐश्वर्य से उनको भी अभिभूत कर देने वाले, इसलिए इनका नाम केशव है। ये वंशी वादन में निपुण लीला माधुर्य के द्वारा ये इंद्र ब्रह्मा और शिव का भी मनोहरण करने वाले और इनके ये इसलिए भी इनका नाम केशव। दूसरी बात केशव का अर्थ करते हैं कि अंशवो ये प्रकाशन्ते ममते केश संगीता सर्वजा केशवम तस्मान मामा अग्र मुनि सत्तमा। कहते हैं कि भगवान ने महाभारत का श्लोक है कि उनकी जो अंग छटा है उसका नाम केश है, उसे केश कहते हैं। और इसीलिए सर्वज्ञ जो मुनि जन हैं वे इनको केशव नाम से पुकारते हैं। तो भगवान ये राम और केशव ये दोनों अब इस गोकुल में खेलने लगे। ये रिंगण लीला भगवान की, घुटनों के बल दोनों हाथ टेक कर दोनों पैर दोनों घुटने टेक कर ये चलने लगे। तावंग युग्म मनुकृष्य शरीर से पंतव, ये टीकाकार कहते हैं कि अंग्र युग्म क्यों कहा, इसलिए कहा कि इनके चरणों के साथ किसी और चीज की तुलना हो ही नहीं सकती। इनके चरणों की तुलना तो इनके चरणों से ही हो सकती है, इनके चरण जैसे ही, किसी और वस्तु से उनकी तुलना नहीं होती। तो ये दोनों चरण ही परस्पर एक दूसरे के तुलना के वस्तु हैं, इसलिए कोई और साथ में शब्द न लगाकर और युगल चरण नाम लिया दोनों चरण इनके। तो ये नन्हे नन्हे पांव से अपना घचीटते हुए चलते, अब मैया उन्हें देखा, अब तन मातर दोनों की माँ एक ही माँ समझ लीजिए, दोनों बच्चे दोनों के समान बच्चे, दोनों की अलग अलग माँ नहीं एक ही माँ। तो वो मैया क्या करती
कि कहीं ये चलते चलते जरा सा ये अखड़ जाते तो मैया दौड़ती पीछे पे चलती। इसके बाद और मैया ने क्या किया कि इनकी अंगुली पकड़ पकड़ कर चलाना सिखाने लगी, जिनके इशारे से सारे जगत का चक्र चलता है उनको मैया चलना सिखाने लगी पकड़ पकड़ कहीं गिर न जाए। और इन तो ये चलने लगे धीरे धीरे। अब इनके पैरों में वो नूपुर तो रुंझुन रुंझुन वो बजने लगते और अपनी ध्वनि सुनकर ये आप ही मोहित हो जाते, बोले कहां से बाजा बज रहा है, ये बाजा कहां से बज रहा है। यूं देखते दूसरा कोई दिखता नहीं तो देखते ये बाजा कहां से बज रहा है। यूं ये खेल करते यशोदा मैया रोहिणी मैया देख के प्रसन्न होती, ये कायदे में लौटते फिर तो वो स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। और ये जब कीचड़ में सन कर आते, सने हुए कीचड़ में, तो आकर के ये थोड़ी देखते कि अब नहा के मां के गोद में जाना है, सारे बदन में कीचड़ लगा हुआ और इनकी ये अंगराग अंगराग बन जाता इनका। भगवान के अंग से जिसका स्पर्श हो जाए वो निकृष्ट वस्तु भी परमोत्कृष्ट हो जाती है। तो कीचड़ का अंगराग लगाकर जब ये लौटते तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती। तो माताएं दोनों को गोद में लेकर के उसी रूप में हृदय से लगा लेती, स्तनपान कराने लगती। जब ये दूध पीने लगते दत्वा स्तनम प्रभुतोष्ण मुखम निरीक्ष, जब दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुराए मुस्कुरा कर माताओं की ओर देखते तो उनके मंद मंद मुस्कान छोटी छोटी दंतुलिया और भोला भोला मुंह देख करके और माताएं आनंद के समुद्र में मानो डूबने उतराने लगती। अब राम कृष्ण अब ये बड़े हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे कुछ और बड़े हुए तो ये अब घर के बाहर भी जाने लगे और घर में भी खेलने लगे। तो ये कभी कभी कोई गोपी आती, गोपी आती बूढ़ी गोपी तो इस सामने दौड़ते तो हाथ फैला दिया तो ये जल्दी से गोदी उठ जाते तो वो मुंह चूमती बड़ा प्यार करती। इसी समय उसके मुंह की तरफ तक देखा नहीं, अब देख रहे ये तो माँ नहीं दूसरी कोई, तो जरा सी देर देखते फिर उतरना चाहते तो वो गोपी बिछाया डर जाती, सोचती कि ये रोने लगेंगे तो उतार देती। तो ये फिर भाग करके माँ के पास आते, मैया मैया तू कहाँ चली गई, तो मैया इनको उठा के गोद में ले लेती। इस प्रकार से फिर वो घर के बरंदे में आने लगे, नाना प्रकार से खेलने लगे। तो इस तरह से ये लीला चलने लगी। फिर जब कुछ बड़े हुए तो ये बाहर बाहर भी जाने लगे तो अब इनकी लीला और बढ़ी।